और दोस्तों आप लोगों को एक बड़ी खुशखबरी फिनाले से पहले बताना चाहता हूं एंड मानना पड़ेगा कि रूबीहॉलिक्स में है दम। रूबीहॉलिक्स किसी भी चुनौती में रूबीना को अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो रूबीना को आगे लेकर जाएंगे। मैं राहुल बहुत स्वागत करता हूं आपका फीफा फूज में। बिग बॉस बोले तो फीफा फूज, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके आगे बढ़िए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा हर जगह पे मैं मौजूद हूं, तो आप मुझे वहां पर फॉलो कर सकते हैं। और बात करते हैं रूबीना दिलाइक के ट्रेंड मास्टर की। ये बात तो वही जग जाहिर है कि जब जब रूबीना जिस कॉम्पिटिशन में होती है, चाहे वो किसी के साथ भी होती है, रूबीना नंबर वन पर रहती है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं तो बीबी ट्रेंड मास्टर अभी रिसेंटली ऑर्गेनाइज हुआ था, जो कि मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी थी और मैंने आप लोगों से बात बोली थी कि आप फटाफट वोट दे दीजिए उसको, क्योंकि आपके वोट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब मैं आप लोगों को बता दूं तो रूबीना बन गई है ट्रेंड मास्टर। सो मतलब इट्स अ रिकॉर्ड, जब से रूबीना आई है इस सीजन में, रूबीना जो है हर वक्त जो है हैशटैग बीबी ट्रेंड मास्टर ऑफ द वीक बनती जा रही है, एंड इस बार भी बन चुकी है। कांग्रेचुलेशंस टू रूबीना दिलैक, कांग्रेचुलेशंस टू रूबीहॉलिक, रूबी आर्मी, रूबी फैंडम, बिकॉज दिस थिंग इज हैपेंड ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ यू गाइस। आप लोगों ने जिस तरीके से एफर्ट्स डाले, जिस तरीके से बैक टू बैक उसमें ये किया, क्या कहते हैं, कॉमेंट्स किया, जिसकी वजह से आज जो निष्कर्ष आया है, जो रिजल्ट आया है वो मेरे हाथ में है। वैसे आपको बता दूं दोस्तों, तो लगभग ये 20 हफ्तों का जो सफर रहा था, जिसमें कि 20 में से 17 हफ्ते सिर्फ और सिर्फ रूबीना ही जीती है। बीच में जब जो ट्रेंड मास्टर का होता था, जैसे एक पल राहुल का था, तो उसमें रूबीना बिल्कुल भी एज अ कंटेंडर नहीं कम्पीट कर रही थी, ना ही जैस्मिन के टाइम पे कर रही थी। लेकिन जब जब रूबीना का आया है, तब तक लगभग 17 ही लगा लो हफ्ते, चलो ज्यादा से 17 नहीं, चलो 15 लगा लेते हैं। बीच में ये राखी, अर्शी, निक्की, विक्की का भी आया था, तो यस। लेकिन जितने भी हफ्ते हैं, रूबीना दिलैक ने धमाल मचाया। इस पर आपका क्या रिएक्शन आता है बॉस, मैं जानना चाहता हूँ। कमेंट सेक्शन में जाइए, मुझे फटाफट बताइए। बने रहिए चैनल के साथ, देखते रहिए फीफा फूज।